हेलो, मैं आशीष। मेरे यूट्यूब चैनल आशीष नॉलेज वाला में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग में पिडिलाइट का एमसील फटाफट लेकर के आया हूँ। ये एमसील फटाफट इस तरह का डिब्बा मिल जाएगा आपको, ब्लैक एंड ब्लू कलर का। यहाँ पे एमसील फटाफट फास्ट कोरिंग कंपाउंडिंग एपॉक्सी मटेरियल होता है ये। इसके अंदर दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक रेजिंग एंड हार्डनर। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये रेजिन है और ये हार्डनर है। ये दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके आपको अपने कामों में लेना है। इसके बारे में मैं और क्या डिटेल बता दूँ आपको, ये पिडिलाइट का एमसील आप कहीं पे भी जाएंगे तो एमसील के नाम से आपको तीन तरह की क्वालिटी मिल जाएगी। एक ये फटाफट आता है, एक इनका रेगुलर पिडिलाइट कंपाउंडिंग आती है जो रेड एंड ब्लैक कलर की आती है, और एक सैनिटरी के नाम से आता है एमसील, वो सैनिटरी में यूज़ होता है। तो मैं आज जो है एमसील फटाफट की नॉलेज देने के लिए आपको एक ब्लॉग तैयार किया है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये एमसील आप अपने जनरल पर्पस यूज़ में ले सकते हैं, अपने जनरल कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। इस एमसील की खासियत फटाफट की ये है, ये फास्ट ड्राई होता है, 30 मिनट में आधे घंटे में ये सेट हो जाता है। और जो रेगुलर वाला एमसील आता है वो 90 मिनट में सेट हो जाता है। तो इससे आपका काम भी फास्ट होगा, आप किसी काम को करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो इससे काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये एमसील 10 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम के पैक में आता है। इसका 25 ग्राम का दाम 10 रुपये का, 60 ग्राम का दाम 20 रुपये का, और 100 ग्राम का दाम 30 रुपये का होता है। ये आपको नॉर्मली हार्डवेयर, सैनिटरी, पेंट शॉप के सब जगह मिल सकता है, आराम से मिल जाएगा। और आपको ये एकदम आसान तरीके से यूज़ करना है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल आपको अपने घर के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जो जिस पाइप, जो पहले के पाइप आते थे MS के, लोहे के, तो उसके सील को पैक करने के लिए जहाँ से लीकेज हो रही है, टंकी से लीकेज आ रही है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। आपका जो वेसिंग के नीचे जो जाली लगती है उसके किनारों पे आप पैक कर सकते हैं इसको। आप इसे कोई लोहे के क्रैक हो गए हैं चादर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लोहे के गेट में जहाँ जॉइंट्स है, जहाँ गैप्स हैं, उसको भी भर सकते हैं इससे। और आप इसको अपने इंडस्ट्रियल यूज़ में भी ले सकते हैं, जहाँ पे जैसे आजकल जो प्रोडक्शन होता है, जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें भी ये एमसील यूज़ होता है फटाफट। उसके पॉइंट पाइप के लाइनों में जो गैपिंग आ जाती है या फिर जॉइंट निकलते हैं, जॉइंट रहते हैं, उसमें आप इसको आराम से भर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी आराम से मिल जाता है, इसका बड़ा फाइल भी आता है। इसको आपको यूज़ किस तरह से करना है मैंने आपको बताया। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं जिसको आपको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। ये आपका रेजिन है और ये आपका हार्डनर है, ये देख सकते हैं, ये रेजिन हो गया, ये हार्डनर हो गया। ये दोनों को बराबर मात्रा में फाड़ करके आपस में मिक्स करना है, मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एक ब्लैक कलर का होता है, एक लाइट वाइट कलर का होता है, दोनों को आपस में मिक्स करके ग्रे कलर का बन जाता है। इसको बराबर मात्रा में लगा देना है। ध्यान रखें, लगाने के 30 मिनट बाद ये प्रोडक्ट सेट हो जाता है। मिक्स करने पे ये 30 मिनट में सेट हो जाएगा, तो 30 मिनट के अंदर अपना जहाँ पे भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, जितना इस्तेमाल करना है उतना ही मिक्स करिए,
फिर उसको लगा लीजिए, और ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर दोबारा मिक्स करके यूज़ करें, मेरी राय ये है, जिससे क्या है आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा, आपका मटेरियल ख़राब नहीं होगा। और इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई इजली काम है, कोई उसमें टेक्निकल काम नहीं है। ये आपका रेगुलर यूज़ में भी और यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके कोई गर्मियों के समय अभी आने वाले हैं, उसमें आपके कूलर में लीकेज है तो उसमें भी भर सकते हैं। आपका जो एग्जॉस्ट वाला कूलर या नॉर्मल कूलर या अलमारियों के गैपिंग को भर सकते हैं, जहाँ पे गैप खुला हुआ है उसमें भी भर सकते हैं। मतलब ये जनरल पर्पस यूज़ है, आप जो है इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एमसील कंपनी ने बनाया फास्ट काम करने के लिए, फास्ट ड्राई हो जाता है और आप कोई भी काम फटाफट इससे कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी थी, पिडलाइट का ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसको ज़रूर एक बार अप्लाई करें। और मुझे जहाँ तक लगा आपको बताना हुआ, तो मैं सोचा कि एक ब्लॉग तैयार करें एक एमसील के बारे में। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।